Good evening, everybody. Good evening. Father Belgium Nikona of St. Joseph Church, Father Bobby of St. Thomas, all the priests of all the churches who could not be present here due to prior commitments, Pastor Raghu Pujari, Pastor Raja, Pastor S.S. Kadam, Pastor Samson, Pastor Paul, Pastor Benedict Rock, and all pastors present here, Mr. Dio Coloso, my most senior leader, Marlene Lisa, Austin Menendez, Samuel, distinguished guest on the dais, and my dear friends. First of all, thanks a lot for coming here this evening on a working day. So I'm very kind that you have been here with the entire of your family. Thank you so much. All of you know that now the assembly elections are 21st of October, and I am contesting as a Congress, NCP and Mahagadi candidate of various other alliance partners from 145 Mira Bhayandar Assembly. Most of you, I think, are here. Couple of them must be hardly 5-10 years, they have come back from this city. Couple of them must be here for the last 20-25 years. Like Leo Colosso sir has mentioned, that I started my political and social work under his leadership. Let me tell you, I am not his leader, he is my leader. I still remember when he was Jilla Parishad chairman in Thane in early 80s, and I used to visit him along with my father. We used to have all this agriculture land here, and that started development of this city in 75 and 79, and there was no infrastructure. So we used to go to his office, Jilla Parishad, to get water from Mira Road, Bhayandar. So since then, I am working under his guidance. I became first youth congress president in 85. That time Mira Road's population was only 11,000. And in 91, we both got elected as a municipal corporator in the municipal council. For 1991 ke baad se, Leo saab is shahar ke municipal council ke planning department ke chairman bane. और मैं उनके साथ में मेंबर बना, और हम लोगों ने मिलकर के इस शहर का जो आज आपको नक्शा नजर आता है, डेवलपमेंट प्लान जिसे कहा जाता है, इसमें रास्ते, प्लेग्राउंड, गार्डन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बस डिपोज, बस स्टैंड, फिश मार्केट, मार्केट्स, बरियल ग्राउंड, स्मशान, कब्रस्तान, ब्लड बैंक, लाइब्रेरी, चौपाटी, व्हाटएवर, जो कुछ भी आज आप इस शहर में देख रहे हो, उसका नियोजन, उसकी प्लानिंग 1991 में की गई है, पिछले 5 साल में नहीं। ये चीज आप लोगों को पहले समझना चाहिए। एक शहर को बनाने के लिए 25 साल लगते हैं, और हमको लगा 25 साल हमको लगे। आज बीजेपी का एमएलए ये कहता है कि मैंने 5 साल में सब कुछ बना दिया। आपके हमारे परिवार में आपको हमको जब संतान होती है तो उसके नियोजन करना पड़ता है, कौन से स्कूल में जाएगा, कौन से कॉलेज में जाएगा, आगे क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसकी शादी होगी तो उसका क्या होगा, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी करनी पड़ती है, सेविंग्स करनी पड़ती है ताकि वो फ्यूचर के एक्सपेंडिचर्स मीट कर सके। उसी तरह से शहर का जब हमने नियोजन किया, हमको पता था कि इस शहर में ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लगेगी, यूटिलिटीज यहाँ पे लगेगी, पानी लगेगा, लाइट लगेगी, गैस लगेगा, रेलवे की फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, और हमने 25 साल कंटिन्यूस इसमें काम किया। 64 में मीरा रोड पे ट्रेन भी नहीं रुकती थी। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितनी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, कितने लोगों ने देखा क्या आप लोगों ने, किसी ने एक वीरान जमीन महानगर कैसे बनी, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोगों ने देखी है। वेरी फ्यू ऑफ देम। तो प्रमोट वापस दिखाना पड़ेगा लोगों को, मतलब मोबाइल नंबर आप इनके कलेक्ट कीजिए,
तो 64 में ट्रेन भी यहाँ नहीं रुकती थी, तो एक साल तक मेरे फादर रेलवे के पासेस, हंड्रेड्स ऑफ पासेस परचेस करते थे एवरी मंथ, और एक साल के बाद में फिर मीरा रोड पे ट्रेन रुकना शुरू हुई। यहाँ पर हम जहाँ बैठे यहाँ हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी, हम खेती करते थे, धान की खेती, चावल की खेती। शिवान गार्डन जो आपको नजर आता है, वहां तक मैं बैलगाड़ी में जाया करता था, भयंदर तक, उत्तर तक हम बैलगाड़ी में जाया करते थे। काशी मीरा का जो चर्च है वो यहाँ खड़े रहकर के चर्च नजर आता था, दहिसर चैतना का नजर आता था। दहिसर से जब ट्रेन चलती थी तो मीरा रोड से दिखती थी, भयंदर से ट्रेन चलती थी तो मीरा रोड से दिखती थी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा बिहार जमीन थी जो आज महानगर बनी, तो ये कोई 5 साल में नहीं बना, इसके लिए हमको 25 साल लगे और सब कुछ हमने बनाया। आपके इस हमारे शहर में जो बरियल ग्राउंड है, स्मशान है, कब्रस्तान है, मैंने अपने पर्सनल पैसे से बनाया, म्युनिसिपैलिटी के पैसे से नहीं। तब नगर पालिका के पास में पैसे नहीं थे और एक चीफ ऑफिसर थे शिवमूर्ति नायक, उन्होंने कहा कि एक समंदर से एक लोटा पानी निकल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए हुसैन साहब आप इसको बनाइए। तो हमने उसको बनाया, सिर्फ बनाया नहीं तो उसको अभी तक के हमने उसको मेंटेन किया, जिससे हर महीने लाखों रुपये लगे। आज लोग बोलते हैं कि सर आपने बनाया, मेंटेन किया, आज बीजेपी सत्ता में आई तो उसने आपका नाम निकाल दिया, वोट निकाल दिया। तो मैं कहता हूँ लोगों से, हमने ये सब काम अपना नाम परमानेंट लिखने के लिए नहीं किया, वोट लगा करके मुझे गर्व है का वोट लगाने के लिए नहीं किया, हमने किया धर्म कर्म के लिए किया, लोगों के लिए। मीडिया में नहीं दिया, प्रिंट मीडिया में नहीं दिया, कभी होर्डिंग्स नहीं लगाई। लोग जब मुझे कहते हैं कि आपका नाम निकाल दिया है वहां से, तो मैं यही कहता हूं कि बोर्ड पे से नाम निकल सकता है, लोगों के दिल से नाम निकल सकता है। और जो काम हमने धर्म कर्म का किया उसके लिए जो मुझे मिलना है वो ईश्वर के घर में मुझे मिलने वाला है। हमको पॉलिटिसाइजेशन करने की जरूरत नहीं। ये शहर में हमने मंदिर बनाई, शांति नगर के अंदर मंदिर है, वहां पे मूर्ति हमारे परिवार के नाम से, मेरे नाम से लगी है, 95 में जब मंदिर बनाया। ये शहर में जितने धर्मस्थल बने, हर एक को बनाने के लिए जो मदद लगती थी, जो हमारे से हो सकता था हमने किया। और फिर से बोलता हूँ, अपने पर्सनल पैसे से, करप्शन के पैसे से नहीं। 35 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ये शहर में कोई एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि मुजफ्फर हुसैन के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस है या उसने कभी किसी को परेशान किया या सताया। 35 साल का सफर, जर्नी छोटी नहीं होती, आदमी एक साल में सत्ता मिलने के बाद में गलती कर देता है। आज हम ये चुनाव इसके लिए लड़ रहे हैं कि इस शहर के अंदर करप्शन बहुत बढ़ गया है, इस शहर में हर समाज के ऊपर, हर वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय बढ़ गया है, और उस अन्याय और करप्शन के खिलाफ में लड़ने के लिए मैं ये चुनाव और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमने जो डेवलपमेंट प्लान बनाया था उसके अंदर हॉस्पिटल्स थे। एपीजे कलाम ने अपनी किताब में लिखा था, 2020 की जो किताब थी उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर हिंदुस्तान को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे काम करना पड़ेगा। हमने उनको अपना हमेशा रोल मॉडल माना, महात्मा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद एपीजे कलाम साहब को मैंने अपना हमेशा रोल मॉडल माना। और इसलिए बिगनिंग से ही जब हमने शहर की प्लानिंग करी तो हमने 50% रिजर्वेशन
जो टोटल लैंड एरिया थी शहर की, उसमें 385 रिजर्वेशन हमने इन सारी यूटिलिटीज के लिए की और मेजॉरिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स के लिए। आज अगर आपको शांतिनगर में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल नजर आता है, आज अगर आपको भयंदर का टेपा हॉस्पिटल नजर आता है, आज आपको अगर उमराव हॉस्पिटल नजर आता है, ये भक्ति वेदांत का हॉस्पिटल नजर आता है, या और भी कोई हॉस्पिटल्स अगर आपको नजर आते हैं, तो उसका नियोजन 1991 में किया गया है, ओवरनाइट नहीं हुआ है। आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हमने नियोजन किया, मैं विधान परिषद MLC बना 2004 में, मैंने अपने फंड से हॉस्पिटल को बनाया, मैंने वहां पे MLC फंड से बनाया और साथ डायलिसिस की मशीन वहां पे लगी, जिसकी वजह से आज 3,500 लोग सल्फेट फ्री डायलिसिस करते हैं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हमने बनाया, उसमें मैटरनिटी नर्सिंग डिलीवरीज का नियोजन किया, OPDs चलाई, आज वहां पे 40,000 लोग साल की मेडिसिन प्रोक्योर करते हैं। मैं जब 2002 से 2004 डिप्टी मेयर बना, उस मरतबा हमने शहर के अंदर 13 OPD सेंटर स्टार्ट किए, आज भी वो गरीब जनता के लिए OPD सेंटर काम करते हैं। ब्लड बैंक बनाए, पूरे शहर में एक ही ब्लड बैंक है, राजीव गांधी ब्लड बैंक, मॉर्चुरी बनाया, मॉर्ग रूम बनाया, मॉर्ग रूम बना रहे थे उस वक्त लोग पूछ रहे सर मॉर्ग रूम क्यों बनाते हैं, मैंने कहा मीरा भयंदर में लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं और जब उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली को कहीं भी विभाग है आने के लिए वक्त लगता है और बॉडी को रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती, इसलिए मॉर्ग रूम बनाया। मतलब इतना दूर दृष्टिकोण करके हमने काम किया। लाइब्रेरी बनाई शहर में, अलग अलग जगहों पे लाइब्रेरी बनाई, पहली लाइब्रेरी हमने नगर भवन में बनाई म्युनिसिपल ऑफिस के, फिर पूरे शहर के अंदर हमने लाइब्रेरीज के रिजर्वेशन किए, वहीं पे महात्मा गांधी लाइब्रेरी बनाई 20,000 स्क्वायर फीट की, कितने लोग को पता हार था कि पता ही है, हजारों बच्चों ने वहां पे पढ़ाई करी। मगर 25 साल में क्या किया इन्होंने बीजेपी ने, अहमदाबाद ने 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी को आधी बंद कर दी, वहां पे म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस चालू कर दिया, जबकि म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस या रसाज के अंदर अवेलेबल था। तो हेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट क्या है? चलिए ट्रांसपोर्टेशन, 5 साल पहले इन्होंने कमिटमेंट किया था कि टोल नाका हटा देंगे, हट गया है टोल नाका, 5 साल केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, मीरा रोड लोकल चालू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हुई क्या 5 साल में? स्टेशन का पूरा परिसर हम लोगों ने, मैंने खुद ने डिजाइन करके उसको बनाया, उद्घाटन भले इन्होंने किया सत्ता बदल के, तो उद्घाटन नहीं होने किया। भयंदर का स्टेशन की क्या हालत है? जैसे कि वैसे ही है, ना ट्रेन बड़ी ना टॉल हटा, आपका पानी का बिल उठा करके आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा शायद, 7 रुपया 10,000 मीटर के चार्जेस, हम लोग जब तक के कॉर्पोरेशन में सत्ता में थे 2014 तक 7 रुपया था, अब आप लोग 14 रुपये भरते हैं और पानी अगर 1 घंटा आता था तो आज आधा घंटा आता है। कचरे का टैक्स आपके ऊपर लगा दिया, कचरे का टैक्स आपके हाउस टैक्स में पहले ही टैक्स उस पर लगा हुआ था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, मगर आपने कचरे का टैक्स डबल लगा दिया। उत्तम के अंदर 10 लाख मैट्रिक टन कचरा पड़ा हुआ है, 2013 के अंदर हमने वसई के अंदर पृथ्वीराज चौहान थे मुख्यमंत्री, उस डंपिंग ग्राउंड को वसई में शिफ्ट करने का जमीन अलॉट कर दी गवर्नमेंट ने, सरकार बदल गई, 5 साल में ये सरकार ने और MLA ने वहां से कचरे का ग्राउंड शिफ्ट नहीं किया। परसों देखिए वहां पे आग लग गई, उत्तम वालों को इतनी वहां पे परेशानी है, इतनी बदबू आती है, इतनी परेशानी की जिसका कोई हिसाब नहीं, तो कचरे में कुछ काम नहीं हुआ। मगर कचरा उठाने का जो टेंडर 2014 तक कुछ करोड़ में दिए जाते थे, ये शहर में 450 मैट्रिक टन कचरा 2014 तक था, अभी 550 मैट्रिक टन है, वो 25 करोड़ रुपए का दिया जाता था, 20% कचरा बढ़ा है, तो 20% टेंडर की कॉस्ट बढ़ना चाहिए था, 30% बढ़ना चाहिए था, 300 times बढ़ गया, 100 करोड़ दिस पीपल आर स्पेंडिंग टू कलेक्ट द गार्बेज, 100 करोड़।
म्युनिसिपैलिटी 5 साल के अंदर 750 करोड़ रुपए की कर्जे में चली गई। आप में से कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे 7 लेवल का एक क्लब बना 500 करोड़ रुपए का, हाथ उठा के बताइए। सभी को पता है। किसी आमदार का आपने ऑनलाइन आपको मिलेगा कि 5 साल पहले इसकी संपत्ति कितनी थी, उसके पहले 5 साल कितनी थी, ये भी आपको मालूम मिलेगी, अभी कितनी है और क्लब 500 करोड़ का कैसे बना। तो ये पैसे आए कहां से? ये आपके जेब में से पैसे निकाल दिए। म्युनिसिपैलिटी पे फेमस है कि 25% कमीशन देना पड़ता है, तब जाके टेंडर बनते हैं। आमदार को आपने चुन के भेजा एमएलए को असेंबली में जाके काम करने के लिए, स्टेट के ऊपर काम करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, और उसको गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन के लिए। मगर ये आमदार जाके बैठता है म्युनिसिपैलिटी में। असेंबली के अंदर कोई सवाल, कोई कॉलिंग अटेंशन, कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस आज तक नहीं उठा है। ना टॉल के ऊपर उठा है, ना गार्बेज शिफ्टिंग के ऊपर उठा है, ना लॉइंग जुडिशियल के ऊपर उठा है। अभी हाल ही में जयंत पाटिल राष्ट्रवादी के प्रेसिडेंट ने और थाने के एमएलए जितन अवार्ड ने असेंबली में सवाल उठाया, पेपर दिखाया और बताया कि इसके ऊपर 17 केसेस क्रिमिनल केसेस हैं। पैसे मिलने अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके ऊपर आरोप होता है उसको जवाब देने का, रिप्लाई करने का। तो इन्होंने कहा यहाँ के एमएलए ने कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, और अगर कोई केस होगा तो मैं राजीनामा दे दूंगा और अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अभी जब नॉमिनेशन फाइल किया है, यू कैन गो ऑनलाइन एंड चेक इट अप योरसेल्फ, 22 क्रिमिनल केसेस उनको एफिडेविट में डिक्लेयर करना पड़ा, 22 क्रिमिनल केसेस। तो भाषा में बोलते हैं ये तो सब छोटे मोटे केस हैं, मतलब अभी कौन से बड़े केस आप करना चाहते हैं ये उनको ही पता होगा। तो आपके हमारे शहर का रिप्रेजेंटेटिव मुझे पहले ही टर्म में 2004 से 2010 तक के मैं विधान परिषद में था, अपर हाउस में था, मुझे आई वॉज अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। और इस एमएलए को 5 साल में क्या मिला? तो हाईकोर्ट ने बोला इसके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल करो। कितने लोगों को पता है, हाथ उठाइए, बताइए। बहुत सौ मैंग्रोव नष्ट करने का केस, सॉल्ट पैच नष्ट करने का केस, वेटलैंड नष्ट करने का केस, पत्रकारों को मारने का केस, एंटी करप्शन के केस, एक्सटॉर्शन के केस, लैंड ग्रैबिंग के केस, आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, अनगिनत क्रिमिनल केसेस। उसके बाद इस शहर के अंदर गरीब से गरीब आदमी, जैसे छोटा आदमी, दुकान वाला हो, पान वाला हो, ठेले वाला हो, रिक्शा वाला हो, जमीन वाला हो, स्ट्रीट एजेंट हो, बिल्डर हो, इंडस्ट्री वाला हो, चाहे किसी समाज का आदमी, हर आदमी के ऊपर, हर समाज के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर अन्याय का काम चलता है। महापालिका के प्रशासन को हाथ में पकड़ के, पुलिस प्रशासन को हाथ में पकड़ करके अन्याय का काम करती है। मैं 9 साल एमएलसी रहा, 9 years, मैं 9 साल एमएलसी रहा, मगर कभी एक कंप्लेंट, एक शिकायत किसी सर्वसामान्य आदमी की मेरे साथ नहीं। तीन बार कॉर्पोरेटर रहा, एक बार डिप्यूटी में रहा, 50 years of my family, 50 साल, मेरी मदर आज भी कॉर्पोरेटर, वो भी डिप्यूटी में रही, 50 साल हमारी फैमिली का, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि इस फैमिली के किसी मेंबर ने, मैंने, मेरी मदर ने कभी किसी को परेशान किया या सताया या कोई करप्शन की चार्ज। आज ये शहर के अंदर उसने एक वातावरण क्रिएट किया, समाज समाज को बांटने का काम किया। मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं शैतानवर हूं, मैं दिगंबर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तपोल हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं मराठी हूं, इस तरह से समाज को अंदर भी बांटने का काम किया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी कुछ लोगों को इस तरह से बहकावे में ला करके बांटने का काम। फैसला आप लोगों को करना है,
फैसला आप लोगों को करना है कि आपका लोक प्रतिनिधि, आपका रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए कि आपको आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मिलने वाले ये कहे, अरे आपने एमएलए के बारे में तो पेपर पे आया, उसकी बीवी को लैपटॉप नहीं दिया तो उसने गरीब आदमी के ऊपर चढ़ा दी, ऐसा सुनना अच्छा लगेगा आपको? आपको ऐसा सुनना अच्छा लगेगा कि आपके एमएलए के ऊपर तो हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस दाखिल किया, ऐसा सुनना चाहेंगे आप? क्या आप ऐसा सुनना चाहेंगे कि अरे आपके एमएलए ने तो गरीबों को मारा, उसका सामान फेंक दिया, उसकी जमीन खा ली, ऐसा सुनना पसंद करेंगे आप लोग? आप लोग ये चाहेंगे कि आपका एमएलए असेंबली में जाकर के शहर के अंदर की जो मुसीबत है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस करे, उसको रिजॉल्व करे, स्टेट की गवर्नेंस के अंदर अपना इनपुट दे, स्टेट के अंदर काम करे। मैं विधान परिषद में था, मैंने सिर्फ मीरा भयंदर में नहीं, पूरे स्टेट में काम किया, क्योंकि मैं अपर हाउस में था एंड आई वाज इलेक्टेड फ्रॉम द एमएलए। तो मुझे अपनी एमएलसी फंड पूरे महाराष्ट्र में यूज करने का मौका मिलता था, तो मैंने वहां पे भी पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे कोई कम्युनिटी का व्यक्ति हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, दलित हो, बैकवर्ड कास्ट हो, कोई भी हो, उनके गांव में, उनके शहर में, उनके इलाके में जाकर के स्मशान अगर बनाना था तो वो हमने बनाया, कब्रस्तान बनाना था वो बनाया, बरेल ग्राम बनाना था वो बनाया, लाइब्रेरी बनाना था वो बनाया। जो कॉन्सेप्ट मैंने इस शहर में किया था, वो कॉन्सेप्ट मैंने महाराष्ट्र में मेरे एमएलसी फंड से पूरे महाराष्ट्र में काम किया। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, मेरे एमएलसी के फंड के लिए आप आरटीआई एप्लीकेशन दे सकते हैं असेंबली के अंदर। और 9 साल मैंने अपने एमएलसी के फंड का कहां कहां यूज किया, ये आपको रिकॉर्ड असेंबली से मिल जाएगा, असेंबली से आपको मेरा रिकॉर्ड मिलेगा। इनका रिकॉर्ड बताइए कि 5 साल में आपने आपका एमएलए फंड किधर यूज किया। अब इलेक्शन आया है तो मेट्रो के बोर्ड आपको नजर आते हैं, मगर 5 साल हो गया मेट्रो के बारे में कोई चर्चा नहीं है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के टाइम पे मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में मीरा भयंदर में मेट्रो चालू हो जाएगी। मैंने उस वक्त कहा था कि 2 साल में अगर मेट्रो इस शहर में 19 तक चालू हो गई मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं उनको, 2 साल में मेट्रो आई नहीं, इसके लिए आज मैं कैंडिडेट हूं, तो मुझे पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ेगा। ये शहर में आपको होर्डिंग्स बहुत नजर आई, क्योंकि सारी होर्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट भी इसने लिया हुआ है, तो इसलिए हमारे लोग को कोई होर्डिंग्स भी इलेक्शन के टाइम में नहीं मिल रही है कि हम अपने लिए होर्डिंग लगा रहे। और हर होर्डिंग के ऊपर एक ही बात है, मुझे गर्व है, बच्चों का फोटो डाल दिया, जो प्लेग्राउंड सामने बनाया है उस पर फोटो लगा के बोलते हैं कि मैं, मुझे गर्व है कि मुझे प्लेग्राउंड मिल गया। जो महिला 20 माले की बिल्डिंग में रहती है, क्या आपको लगता है 20 माले की बिल्डिंग में रहने वाली कोई फैमिली, कोई महिला लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती है, होता है सर? उनके स्कूल में कोई महिला काम करती है, वो 20 माले की बिल्डिंग में रहती है, उसकी फोटो लगा दिया और बोले मुझे गर्व है मेरे घर में गैस आ गई। मेट्रो की जो होर्डिंग लगी है उसके ऊपर जो आदमी का फोटो, वो आदमी पागला में रहता है। इसी तरह से हर चीज के लिए उनको गर्व है। गर्व जो शब्द है ना, इसमें अहंकार की बदबू आती है, घमंड की बदबू आती है कि मुझे गर्व है। वो ऐसा लिख सकते थे कि मुझे खुशी है कि मैंने शहर के लिए ये काम किया। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो मुझे गर्व है। तो अहंकार में जो आदमी डूब जाता है वो आदमी दुनिया में उसका अंत निश्चित होता है। ईश्वर ने आपको हमको जीवन बहुत कम समय का दिया है, और उस जीवन के अंदर आप जब आगे चल के चल जाते हो और पीछे से अगर एक आदमी आदमी आपको कहता है कि ये बदमाश है, ये चोर है, आपके जीवन में आपने कितना भी दान धर्म का काम किया होगा वो सब व्यर्थ है, वो सब वेस्ट है। और अगर एक व्यक्ति भी आपके पीठ के पीछे अगर कहे कि नहीं ये आदमी शरीफ है, इसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, सताया नहीं, इसने सभी की मदद करी, तो
तो मैं समझता हूँ आप भले एमएलए बनो नहीं बनो, मंत्री बनो नहीं बनो, राजनीति में कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे आप जाओ नहीं जाओ, मगर आपका जीवन सफल है। सभी समाज के, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे भागवत गीता हो, चाहे रामायण की कथा हो, जितने अवतार लेकर के भगवान पृथ्वी पर आए, मैसेंजर बन के आए, प्रोफेट बन करके आए, भगवान का रूप लेकर के आए, ये मनुष्य जाति को मार्ग दिखाने का, जीवन जीने का रास्ता दिखाने के लिए आए। और ये जितनी धार्मिक किताबें हैं, ये एनसाइक्लोपीडिया ह्यूमन लाइफ है। और इन सारी किताबों के अंदर कहीं भी ये नहीं दिया है कि ये धर्म का आपकी गलत है, ये धर्म के इंसान से, व्यक्ति से, मानवता से आप नफरत करो, इसको दूर रखो, है क्या किसी किताब में? बताइए मुझे। आप बाइबल पढ़ते हैं? मैंने भी पूरी पढ़ी है, मैंने भागवत पूरी पढ़ी है, मैंने कुरान पूरी पढ़ी है, मैंने रामायण पूरी पढ़ी है। कहीं भी किताब में, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि मनुष्य जाति से नफरत करो, एक दूसरे से नफरत करो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओ। मगर क्या हो रहा है आज पूरी दुनिया में? धर्म का नाम लेकर के हम सब, धर्म का नाम लेकर हम सब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है। अगर हमने मनुष्य जाति को, मानवता सेवा को अगर अपना धर्म समझा, तो इस दुनिया के अंदर कहीं पे भी आपस में लफड़े झगड़े परेशानी नहीं बचेगी। ये दुनिया के अंदर बहुत, मगर कभी बताया कि मैसेंजर्स, प्रोफेट सभी लोग आए और चले गए, इससे मैसेज क्या मिलता है? इससे मैसेज ये दिया है गॉड ने, ईश्वर ने, खुदा ने, कि हर एक को इस दुनिया में आना है और हर एक को इस दुनिया से जाना है। जब मेरा मैसेंजर भी इस दुनिया में नहीं रह सकता है, गॉड भी इस दुनिया में नहीं रह सकता है, प्रोफेट भी इस दुनिया में नहीं रह सकता है, विष्णु के 10 अवतार भी नहीं रह सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं रह सकता है, भगवान राम भी नहीं रह सकते हैं, तो आप और हम कैसे रह सकते हैं? ये मैसेज है उसका, ये मैसेज समझने की जरूरत है। और सभी धर्मों के मिलकर के एक साथ रहने का काम करना चाहिए, इसी को सेक्युलरिज्म बोलते हैं। अब सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन चेंज हो गया लेटली, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये माइनॉरिटी हो गई, और जो हिंदू मुस्लिम की बात करता है बोले ये सेक्युलरिज्म की बात करता है। सेक्युलरिज्म वो नहीं है, सेक्युलरिज्म के मायने हैं एंटायर सोसाइटी, द एंटायर सोसाइटी टू कीप इट यूनाइटेड, दैट इज सेक्युलरिज्म, एंड दैट इज द प्रीएम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, और यही बाइबल भी बताती है, यही कुरान भी बताती है, यही सब धर्मों की किताब भी यही बताती है कि मानवता की सेवा परम धर्म है, गरीब की सेवा परम धर्म है, जरूरतमंद की मदद करना आपका धर्म है, अच्छा काम करना आपका धर्म है, धर्म के नाम पे आपस में समाज को बांटना आपका धर्म नहीं है। आज इस शहर के अंदर धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है। अभी प्रचार कैसे किया जा रहा है? एमएलए जाते हैं मंदिरों में, वहां पे साधु संत रहते हैं और वहां पे लोगों को हाथ उठा करके बोलते हैं कि हाथ उठा के बताइए मुझे वोट करोगे आप कि नहीं, तो लोगों को तो उठाना पड़ता है। और फिर बोलते देखो अगर तुमने वो किसी और को वोट कर दिया तो मुजफ्फर हुसैन चुन के आ जाएगा। तो भैया आप असेंबली का चुनाव लड़ रहे हो कि कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के पादरी, मौलाना या पंडित का चुनाव लड़ रहे हो? आप असेंबली का चुनाव लड़ रहे हो, आप असेंबली में जब जाते हो तो यू आर रिप्रेजेंटेटिंग एंटायर सोसाइटी, नॉट वन सिंगल कम्युनिटी। आप किसी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव करके नहीं जाते हो, आप पूरे समाज के रिप्रेजेंटेटिव करके वहां पे जाते हो, स्टेट के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आप जाते हो, आप वहां पे किसी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं जाते। तो इस तरह की बातें पूरे देश में चल रही है और यहाँ पर भी चल रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि
कि आपने हमने बिल्कुल वो मेजोरिटी लोग इस तरह बात करते हैं इसलिए हमें इस तरह की बात करना चाहिए, नहीं, ये समाज को बांटने वाली बात है। मैं कहूँगा कि पिछले जो मेरा परफॉर्मेंस रहा है, जो मेरा काम रहा है, उस काम को आप देखिए, अगले 5 साल में मैं जो करना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो दिया हुआ है, मेरे काम के ऊपर और मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर और जो मेरे प्रोग्राम्स है जो मुझे शहर के लिए आगे करना है, जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाया है, उसको देख करके आप मुझे वोट दीजिएगा आने वाले 21 साल। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 21 तारीख को आप सब लोग अपने बहुमूल्य वोट से पंजे पे हाथ के सिंबल पे बटन दबा के मुझे बहुमतों से चुन करके असेंबली में भेजोगे और इस शहर को फिर से करप्शन और अन्याय से बचाने की जो लड़ाई हमने शुरू की इसमें मेरा साथ दोगे और इस शहर में फिर से अमन और शांति और सबको न्याय मिले उस तरह का माहौल बनाने में मेरी मदद करोगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। जय हिंद।